जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सब लोग दोनों हाथ खड़े कर मुझे आश्वासन दे जाओ कि माधोपुर की जमीन से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान में विधानसभा का चुनाव आए और सचिन पायलट का नाम नहीं लिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनकी फैन फॉलोइंग और उनके गहलोत के साथ मतभेद उनको सबसे चर्चित चेहरा बना देते हैं। सचिन की हर रैली बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के बड़े नेताओं को सिरहन पैदा कर देती है। उनका बोला एक एक शब्द अगले दिन हेडलाइन बनने की एक काबिलियत रखता है। अब चुनाव आने वाले हैं और पार्टियां लग गई हैं जनता को लुभाने में। अभियान चल रहा है, जनता को मोड़ना है, बड़ा मुद्दा चाहिए। हर पार्टी के बड़े नेता चुनाव और चुनाव की जीत को लेकर कुछ ना कुछ भविष्यवाणी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। सचिन पायलट का कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ेगी और फिर से यहां सरकार बनाएगी। पायलट ने ये भी कहा कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को तभी चुनौती दे पाएगी जब वो राजस्थान में फिर से सरकार बनाएगी। नीम का थाना जिले के अजीतगढ़ में 1 अक्टूबर को एक किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। ये तालियों से मैं मानने वाला नहीं, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सब लोग दोनों हाथ खड़े कर मुझे आश्वासन दे जाओ कि माधोपुर की जमीन से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मेरे साथ जोरदार नारा देना, कांग्रेस पार्टी। सचिन ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी और सरकार बदलने की 30 साल पुरानी परंपरा खत्म हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि जब तक कांग्रेस राजस्थान में दोबारा सरकार नहीं बनाती तब तक हम 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती नहीं दे पाएंगे। मंच से पायलट ने सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी का तो गुणगान किया, पर किसान सम्मेलन में सचिन पायलट ने इशारों में अमर्यादित भाषा को लेकर तंज कसा और कहा कि हम आप सब जानते हैं कि ऐसे अमर्यादित बोल कभी नहीं बोलने चाहिए कि बाद में पछताना पड़े। आपको बता दें, सीएम ने कभी सचिन पायलट पर निकम्मा नकारा जैसी टिप्पणी की थी, तो हो सकता है उन्हीं बोल पर पायलट ने ये तंज कसा हो। उनकी इस बात से साफ पता चलता है कि अभी तक अंदरूनी युद्ध पर विराम नहीं लगा है। लगातार बगावत करने वाले सचिन पायलट फिर से कुछ ऐसा बोल गए जिससे शायद कांग्रेस पार्टी खुद सचिन की और गहलोत की एकता पर सवाल लगा रही है। सचिन पायलट ने कहा कि वे पूर्व में जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे तब उन्होंने पूरे राजस्थान में घूम घूम कर प्रचार किया था जिससे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। फिर चुनाव सामने हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम भी तय करेंगे। भाजपा को जनता ने वोट दिया और केंद्र में 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, लेकिन महंगाई से हर वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। भाजपा नेताओं पर हमला बोलते हुए पायलट ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है। भाजपा ने सदन व सदन के बाहर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। जब दिसंबर में चुनाव होंगे तो इसका पता चल जाएगा। राजस्थान में 5 साल कांग्रेस और 5 साल भाजपा की सरकार रहती है, लेकिन इस बार ये मिथक टूट जाएगा और फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। नमस्कार।